हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस का एमसीक्यू है और उसका ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले देखते हैं द मेन प्रिंसिपल यूज इन इंटरफेरेंस। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स, फर्मी प्रिंसिपल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मुझे पता है ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कौन सा प्रिंसिपल कौन से मैकेनिक्स में या कहाँ पे यूज़ होता है, और इंटरफ्रेंस में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, वो भी आप सही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यस, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इज अ बेसिक प्रिंसिपल यूज इन इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। व्हेन इनकमिंग लाइट वेव सुपर इम्पोज कंस्ट्रक्टिवली, द इंटेंसिटी इंक्रीजेस व्हाइल दे एड डिस्ट्रक्टिवली, इट डिक्रीजेस। द इंटेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगी जब वो डिस्ट्रक्टिवली एड होंगे। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेशन वाला। वैसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इंटरफेरेंस का, वहाँ सारे कैलकुलेशन वाले ही होंगे मैक्सिमम। यहाँ पे कंसेप्ट भी सारे हैं सारे। इन टू वेव्स ऑफ अ सेम एम्पलीट्यूड एट कंस्ट्रक्टिवली द इंटेंसिटी बिकम डबल, हाफ, फोर टाइम्स एंड 1/4। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आप इसको करिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ये बहुत इजी है, आप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका 4 टाइम्स। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, टू वेव्स हैं, टू वेव्स I1 I2, और इनका एम्पलीट्यूड सेम है। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमम होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। cos पाई मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, इसलिए प्लस साइन आया है। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू I1 है ए स्क्वेयर, I2 है ए स्क्वेयर, 2√A² इंटू ए स्क्वेयर, और यहाँ से फिर ए स्क्वेयर बाहर आ जाएगा। तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2A² तो 4A², और ए स्क्वेयर क्या है, इंटेंसिटी है, तो 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा सिंगल वेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंस्टीट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट इज यूज फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट वुड बी द चेंज इन ऑब्जर्वेशन। क्या चेंज होगा, द पैटर्न विल नॉट विजिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है, द शेप ऑफ द पैटर्न विल चेंज फ्रॉम हाइपरबोलिक टू सर्कुलर। कलर फ्रिंजेस विल ऑब्जर्व विद व्हाइट ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर। एंड लास्ट ऑप्शन इज ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल चेंज द पोजिशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है उस पर क्या चेंज आएगा। तो यस, करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, कलर्ड फ्रिंजेस विल ऑब्जर्व विद व्हाइट ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर। तो होता क्या है, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज़ करते हैं, तो 7 कलर्स होंगे व्हाइट लाइट में। तो जब अगर हम सेंटर पे देखते हैं, तो सेंटर पे सारे कलर्स एक की जगह एक ही फेज में मिलते हैं, तो व्हाइट ब्राइट फ्रिंज हमें ऑब्जर्व होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं, वो ड्यू टू वॉयलेट कलर या और बाकी वेवलेंथ की वजह से होती हैं। और सबसे पहले शॉर्टर वेवलेंथ का कलर दिखाई देगा, फिर इंडिगो, और फॉलोड बाय और कलर्स होंगे, और हमें फिर लास्ट में रेड कलर की फ्रिंजेस दिखाई दे जाएंगी। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ से लार्जेस्ट वेवलेंथ तक की पैटर्न हमें दिखाई देंगे, बट सेंटर में हमें व्हाइट लाइट या व्हाइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस इज स्ट्रेट, सर्कुलर, हाइपरबोलिक और इलेप्टिकल। इलेप्टिकल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो फ्रिंजेस नॉर्मली इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें ऑब्जर्व होती हैं, वो किस शेप की होती हैं। यहाँ पर्टिकुलर किसी एक्सपेरिमेंट की कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरफेरेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हाइपरबोलिक फॉर्म में हमें दिखाई देती है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस फेनोमेना आर हाइपरबोलिक इन शेप। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज लार्ज, दे अपीयर एज ए ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अगर स्क्रीन और
स्लिट्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो जाता है तब हमें वो स्ट्रीट दिखाई देती है, बट अगर वो डिस्टेंस फाइनाइट है, कम है, तो उस केस में हमें हाइपरबोलिक फ्रिंजेस दिखाई देती हैं स्क्रीन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो बबल, एक्सेसिवली थिन फिल्म, वैज शेप फिल्म, नन। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए कि किसमें इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं शो होता है। इसमें यहाँ पे हम एक थिक फिल्म का ऑप्शन और दे सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा टफ सा है आपके लिए। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्सेसिवली थिन फिल्म। और उसका रीजन ये है, एक्सेसिवली थिन फिल्म शोज नो इंटरफेरेंस पैटर्न बिकॉज इन द केस ऑफ थिकनेस ऑफ द फिल्म इज नेग्लिजिबल। जब एक्सेसिवली थिन हो जाएगी तो थिकनेस नेग्लिजिबल हो जाएगी, पार्ट डिफरेंस डेल्टा बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज जो लोअर सरफेस से और अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय टू का हो जाएगा, जो कि मिनिमा की कंडीशन है, और इसकी वजह से कोई पैटर्न जो है थिक फिल्म में, थिन फिल्म में, एक्सेसिवली थिन फिल्म में हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, जबकि सोप बबल और वैशिप फिल्म में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर फिंजेस कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग व्हाइट लाइट, येलो लाइट, अक्रोमेटिक लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जीरो ऑर्डर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंटरफेरेंस में, ये आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली व्हाइट लाइट यूज करते हैं। व्हेन अ व्हाइट लाइट इज यूज द सेंटर फ्रिंजेस व्हाइट, वो सिर्फ हमें व्हाइट दिखाई देगा और उसके जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर हैं वो हमें कलर्स दिखाई देंगे। फ्रिंजेस इज व्हाइट कलर व्हाइल द अदरेस्ट आर कलर्ड, द सेंटर फ्रिंजेस कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग व्हाइट लाइट। तो जीरो ऑर्डर हमें कैसे पता लगेगा, व्हाइट लाइट दिखेगा वहाँ पे, यानी कि वो सेंटर है, जीरो ऑर्डर है, उसके लेफ्ट और राइट में हमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज जीरो, ट्रू और फॉल्स। टाइम स्टार्ट नाउ। क्या इंटरफेरेंस तभी ऑब्जर्व होता है जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, या और भी कंडीशन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है? तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वो पाई होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पाई बाय टू होना चाहिए, पाई बाय फोर होना चाहिए, पार्ट फेज डिफरेंस ऐसा नहीं है। दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी अगर उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो भी इंटरफेरेंस होगा, बट वो सस्टेन नहीं होगा, पैटर्न कंटिन्यूसली पे चेंज होगा। तो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, बट ये कंडीशन नहीं है पाई बाय टू वाली या जीरो वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ थिन शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ पाथ ऑफ लाइट, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इज ऑब्जर्व। ऑप्शन इज 0.003 मीटर, 0.004 मीटर, 0.005 मीटर एंड 0.006 मीटर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इंटरफेरेंस जब हमने रिलेटिविटी किया है, जो वीडियो लेक्चर्स किए हैं वहाँ पे भी इस तरीके का हमने डिस्कस किया है कि पार्ट डिफरेंस जब कोई ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो किसके बराबर होती है। और यस, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 0.005। और ये मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ ये फॉर्मूला, जबकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो पार्ट डिफरेंस जब कोई थिन ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो म्यू माइनस वन टी के बराबर होती है, ठीक है? म्यू यहाँ पे 1.5 दिया है, थिकनेस टी 1 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में ये 0.01 मीटर हो जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे डेल्टा एक्स में, 1.5 माइनस 1 इंटू 0.01, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.01 इज 0.005 आ जाएगा मीटर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टॉक लॉ द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमा इज 2 μt cos
आर इक्वल टू एन लैम्डा टू एन लैम्डा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू टाइम स्टार्ट नाउ। और इस क्वेश्चन की क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही है, लेकिन स्टॉक लॉ क्या बताता है। स्टॉक लॉ ये बताता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तो पाई का फेज डिफरेंस या लैम्डा बाय टू का एडिशनल पार्ट डिफरेंस हो जाता है। तो फिर जब हम थिन फिल्म में कंडीशंस यूज करते हैं, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू टू म्यू टी कॉस आर कैलकुलेट कर लेते हैं, या एडिशनल पार्ट डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा बाय टू एड कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लगाते हैं। तो मैक्सिमा की जो कंडीशन है, नॉर्मली ये होता है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। तो जब हम इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू रखेंगे तो ये लैम्डा बाय टू उधर चला जाएगा, तो आंसर जो है टू म्यूटी कॉस वन लैम्डा बाय टू हो जाएगा। तो टू म्यूटी कॉस आर इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू म्यूटी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू के रखेंगे, और तो यहाँ से हमारा ये ऑड मल्टीपल आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैंने बता भी रखा है प्लस साइन ले रहे हैं तो एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, माइनस साइन ले रहे हैं तो एन इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है आप लोग के लिए। अ थिन स्लाइड इज कट आउट ग्लास सिलेंडर अलोंग अ पैरेलल प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। द स्लाइस इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट। द ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन शैल बी सर्कुलर स्ट्रेट इक्वली स्पेस हैविंग फ्रिंजेस स्पेसिंग विच इंक्रीजेज एज वी गो आउटवर्ड। तो टाइम आपका स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आपके आंसर देने के लिए। तो क्या कहा है, एक थिन स्लाइस है, कट की है सिलेंडर में से, और उसको हमने एक फ्लैट ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है, जैसे कि हम न्यूटन रिंग में करते हैं। तो अब अगर हम उस अरेंजमेंट से फ्रिंजेस देखेंगे तो कैसी दिखाई देंगी, यस बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेट दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर गैप उस तरीके का नहीं बन रहा है कि हमें सर्कुलर रिंग्स या फ्रिंजेस दिखाई दें, इक्वली स्पेस भी नहीं दिखेगा। तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, स्ट्रेट हमें दिखाई देगा, और ये भी नहीं होगा ऑप्शन, इक्वली स्पेस सर्कुलर, और ये सब ऑप्शंस गलत हैं। तो स्ट्रेट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ अ सोप बबल चेंजेस कंटिन्यूअसली, ट्रू और फॉल्स। जो सोप बबल होता है उसमें जो आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखता है, तो क्या वो चेंज होता है या कांस्टेंट होता है, चारों तरफ से उसको देख रहे हैं तो एक सा दिखाई दे रहा है, या हर बार कुछ पैटर्न में चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं बबल्स में। तो ट्रू, टॉप ऑफ द सोप बबल इज एक्सटेंसिवली थिन व्हाइल द मिडिल पोर्शन इज थिन एंड द बॉटम ऑफ द बबल इज थिक। Thus, the thickness of bubble is vary and the interference pattern changes. तो soap bubble अगर ऐसे है और यहाँ पे ऐसे रखा है तो इसकी जो thickness है वो हर एक point पे change हो रही है, तो इस पर जो interference pattern हम observe करेंगे वो जिस भी angle से देखेंगे change होता हुआ pattern दिखाई देगा। चलिए, तो ये quiz करते करते last स्लाइड पे आ गए हैं क्विज की। विच फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग फिगर, वैज शेप फिल्म, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, न्यूटन्स रिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, तो ये अरेंजमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, वैज शेप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और न्यूटन्स रिंग। यस, आप सबका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, न्यूटन्स रिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट। चलिए, तो क्विज करते करते हमने लास्ट कर दिया है आज का वीडियो, और ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में करते रहिए, शेयर करिए, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब लोग पढ़ें, कोई डाउट है क्वेरी करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़।